भारत ने चीन के प्रस्ताव को ठुकराया तो चीन उतरा युद्ध पर। 1962 वाले स्थान से आई हैरान करने वाली खबर। ग्लोबल टाइम्स ने दी भारत को धमकी। चीन की सेना पहुंची भारत भूटान के बॉर्डर पर। पुतिन के बाद बाइडेन ने भी जिनपिंग से मिलाया हाथ। क्या भारत पर जाएगा अकेला? दोस्तों, चालबाज चीन की हमेशा से फितरत रही है कि वह भारत के पीठ पर धोखे से ही जख्म देता आया है। अभी बीते दो दिन पहले चीन ने भारत के सामने बड़ी डिमांड रखी। चीन को डर था कि उसके हजारों की संख्या में जवानों को बेवजह मौत होने वाली है, इसलिए चीन की ओर से अपने जवानों की जिंदगी बचाने के लिए इंडियन आर्मी के सामने बड़ी डिमांड रखी गई। लेकिन इंडियन आर्मी के उच्च अधिकारियों ने उस वक्त चीन की चालबाजी को समझ लिया था और चीन की इस बड़ी डिमांड को ठुकराकर युद्ध के सायरन को जारी रखा है। तो अब चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भी एक ऐसी खबर पब्लिश की जिसमें भारत को सीधी धमकी दी गई। 1962 के युद्ध के दौरान जिस जगह पर इस्तेमाल करके चीनी सेना भारतीय सेना पर विध्वंसक हमले किए थे, जिस स्थान पर फायदा चीन की आर्मी ने उठाया था, उसी को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने खबर को पब्लिश करके भारतीय सेना के जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर फिर पहुंच गए, जहां पर उनकी मुलाकात उनके समक्ष राष्ट्रपति बाइडेन से हुई। अमेरिका जब भारत से मिलता है तो चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताता है, भारत से लैंड की डिमांड रखता है, ऐसे में भारत में एयरबेस बनाना चाहता है और अमेरिका भारत से कहता है कि वह चीन को काउंटर करना चाहता है। लेकिन वहीं अमेरिका पाकिस्तान को भी फंड जारी करता है, हथियारों की सप्लाई करता है ताकि भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे। अब वही बाइडेन जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और वे दो घंटे तक एक ही टेबल पर बैठकर बातचीत करते हैं। मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पर जो बाइडेन लिखते हैं कि वे जिनपिंग के साथ हुई बातचीत को महत्व देते हैं। चीन और अमेरिका दोनों अब अपने तनाव को कम करके संबंधों को बढ़ाने की कोशिश में हैं। लेकिन चीन भारत के जमीनों को कब्जाने की अभी भी फिराक में बड़ी चतुराई से बढ़ रहा है। चीन ने भारत के सामने डिमांड रखी कि जिन क्षेत्रों पर तापमान माइनस से नीचे जा रहा है वहां पर दोनों देशों को मिलकर तनाव को कम करके सेना को पीछे बुलाना चाहिए ताकि जवानों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। पर भारत ने चीन के सामने तनाव के परमानेंट निस्तारण की डिमांड रखी तो चीन उस पर राजी नहीं हुआ। चीन को पता है कि वह भारत से सीधे अकेले युद्ध करके कभी नहीं जीत सकता। दो साल पहले ही चीन की चाइना इंफॉर्मेशन सेंटर थिंक टैंक ने बताया था भारत को भारत से अभी युद्ध से बचना चाहिए। पर अब चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत भूटान सीमा पर अपनी बड़ी तैयारी पर खबर पब्लिश कर दी, जिसे भारत के लिए चेतावनी के तरीके में देखा जा रहा है। दरअसल चीन ने भारत और भूटान की सीमा पर एक इलाके को, जहां पर चीन के लिए भारत पर दबाव बनाने की बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका माना, उसे अपग्रेड कर दिया है। 1962 के युद्ध के दौरान इसी इलाके में चीनी सेना ने डेरा डाला हुआ था। यह इलाका पश्चिम में भूटान और दक्षिण में भारत की सीमा से लगा हुआ महत्वपूर्ण लैंड है। इसी इलाके में चीन ने पहले एक गांव को बसाया जिसे नाम दिया गया था लेबू को। अब इसी इलाके की एक तस्वीर ग्लोबल टाइम्स ने पब्लिश की है जिसमें एक कतार में बनी हुई इमारतें दिखाई दे रही है। ग्लोबल टाइम्स ने इस तस्वीर के साथ लिखा है कि यह 1962 की लड़ाई में भारत के खिलाफ चीनी हमले का प्रमुख युद्ध क्षेत्र था। इतना ही नहीं, इसी क्षेत्र में चीन के द्वारा सेना के लिए परमानेंट बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। एक और चीन के कमांडर भारत के अधिकारियों से बैठक करते हैं, तनाव वाले क्षेत्रों में वापस हटाने की शर्त रखते हैं। दूसरी तरफ चीन लगातार भारत से सटे इलाकों में बिल्डिंगों का निर्माण कर रहा है, सेना की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन भारत के साथ थ्री फ्रंट वॉर की तैयारी में है। दोस्तों, पहले टू फ्रंट वॉर का खतरा भारत के लिए था, लेकिन अब थ्री फ्रंट वॉर का खतरा बढ़ रहा है। एक ओर चीन हमला करेगा, दूसरी ओर से पाकिस्तान, और जो भारत पर तीसरा हमला होगा वह भी पाकिस्तान के अंदर से होगा, लेकिन उसमें पाकिस्तान की अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी शामिल होगी। दोस्तों, आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के रूप में ही देखा जा रहा है। इन आतंकवादियों के पास जितने भी हथियार होते हैं उनमें से ज्यादातर चीन से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होते हैं। चीन को पता है कि भारत को कमजोर करने का यही सबसे बेहतर विकल्प है।
इसलिए चीन की ओर से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के साथ साथ फंड भी दिया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर तेजी से बढ़ रहे आतंकी समूह को हथियारों से लैस किया जा रहा है, पर भारत ने भी अपने रॉ एजेंसी को बस देखने के लिए नहीं बनाया है। लगातार पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को खात्मे का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मिस्टर इंडिया का खौफ चल रहा है। यह मिस्टर इंडिया तो अजीत डोभाल है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक एक चीजों को पीएसडी कर रखी है। 10 दिनों में भारत के 3 बड़े दुश्मन पाकिस्तान के अंदर ढेर हुए। एक एक आतंकी को चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर मारा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर केवल एक शहर में नहीं बल्कि शहर दर शहर जहां पर भारत के दुश्मन छिपे हुए, वहां पर उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। पहले मस्जिद, फिर अस्पताल के बाहर और अब बाजार में कार के अंदर बैठे 3 लश्कर के आतंकियों को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 ने वहीं पर दम तोड़ दिया और 1 अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। यह खबर दुबई से आई है। भारत ने तेजस के एल्गोरिदम में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। इस फाइटर जेट में खाड़ी देशों की टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर दिया है, जिसके चलते तेजस के एल्गोरिदम में बदलाव आया है और तेजस की ट्रैकिंग क्षमता और मार्ग क्षमताओं में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। उधर दुबई एयरशो में तेजस लड़ाकू विमान अपना जौहर दिखाने पहुंचा था, लेकिन जैसे ही दुबई की टेक्नोलॉजी इसमें इनबिल्ट होने की रिपोर्ट सामने आई, इस खबर ने भारत विरोधी देशों को और सदमे में डाल दिया। वहीं खाड़ी के देश भी तेजस लड़ाकू विमान में अपनी टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत खुश हो गए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खाड़ी के देशों में से ज्यादातर देश अभी भी हथियारों का निर्माण न करके दूसरे देशों से हथियारों का इंपोर्ट करते हैं, लेकिन तेजस विमान में उनकी तकनीक लगाए जाने की खबर उनको बाग-बाग कर गई। दरअसल तेजस के साथ अल तारीख को भी जोड़ा जाएगा। अल तारीख LR सटीक युद्ध सामग्री के अल तारीख फैमिली का हिस्सा है। यह अपनी टेक्नोलॉजी के चलते पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट करता है। इसे बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किया गया। इसकी खूबी यह है कि यह हवा में भी अपनी दिशा को बदल सकता है, यानी कि कोई भी मूविंग टारगेट जैसे जैसे अपनी पोजीशन में बदलाव करता है, यह मिसाइल भी अपने रास्ते को बदलती जाएगी। दोस्तों इस अल तारीख का निर्माण UAE की कंपनी IDGE और दक्षिणी अफ्रीकी कंपनी डिनेल ने मिलकर किया है, यानी कि अब अफ्रीकी देश भी तेजस लड़ाकू विमान में अपनी टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो वहीं खाड़ी के देश भी तेजस को अब अपना ही लड़ाकू विमान समझेंगे। भारत ने यहां पर बहुत ही चालाकी से कूटनीतिक चाल चली और इसकी घोषणा भी उस वक्त की गई जब दुबई में तेजस विमान पहुंचा था, जहां पर दुनिया के 20 देश भी मौजूद थे। वहीं भारत की ओर से बताया गया कि तेजस विमान पर AAL अल तारीख के LRPGM का एकीकरण 2024 की तीसरी तिमाही में पूरा कर लिया जाएगा। अल तारीख हथियार प्रणाली को खास तौर पर LCA तेजस के लिए डिजाइन किया गया। यह हर मौसम के लिए उपयुक्त है। इसे तेजस के साथ जोड़ने से इसकी रेंज 45 किलोमीटर से बढ़कर 120 किलोमीटर हो जाएगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।